जालौर पुलिस को अंतर्राज्यीय वाहन चोर, एटीएम लूट, नकबजनी और हथियार तस्करी के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस को दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और पुलिस ने शातिर बदमाशों के पास से दो पिस्तौल, 6 जिंदा राउंड और दो चोरी की बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने राजस्थान सहित महाराष्ट्र, केरला, गुजरात और मध्य प्रदेश में हथियार तस्करी, वाहन चोरी, एटीएम लूट और नकबजनी के दर्जन भर मामलों का खुलासा हुआ है। जो कोलर से जालौर की तरफ रास्ता आता है उस पर चढ़ गए, पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई लेकिन वो व्यक्ति दस्तियाब नहीं हो पाए। क्योंकि घटना गंभीर थी और घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थानाधिकारी बाग सिंह, भवानी सिंह इंस्पेक्टर को शामिल करते हुए एडिशनल एसपी जालौर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जिसमें चुनिंदा पुलिसकर्मी शामिल किए गए। जो हुलिया और जो जानकारी घटना की मिली और जिस तरह का उनका डेयरिंग एक्ट था उसके आधार पर जो संदिग्ध बदमाश थे उनके संबंध में आज सूचना संकलित की गई। पुलिस को इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई और कल उक्त वारदात में शामिल दोनों व्यक्तियों को मैं लोडेड पिस्टल के दस्तियाब किया गया, जिनके कब्जे से अब तक दो चोरी की बोलेरो कैन पर बरामद हुई है। इसके अलावा दोनों से एक एक पिस्टल बरामद हुआ है। पूछताछ से ये अब तक ये जानकारी मिली है कि उक्त दोनों व्यक्ति अंतर्राज्यीय वाहन चोर, नकबजन, एटीएम लूट और हथियार